सुबह पहले पी हूँ और यहाँ अंदर जा रहा हूँ, देखता हूँ किस तरह का पंडाल बनाया गया है। पहले की तरह तो अच्छा बड़ा नहीं बनाया गया होगा, लेकिन अंदर जाकर देखता हूँ किस तरह का पंडाल बनाया गया है। फिलहाल मैं एनजीपी के सेंट्रल कॉलोनी में हूँ और यहाँ अंदर जाकर देखते हैं किस तरीके का पंडाल बनाया गया है। तो चलिए अंदर में देखते हैं किस तरीके का पंडाल बनाया। अभी मैं सेंट्रल कॉलोनी के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके का पंडाल बनाया गया है अंदर। अभी मैं हूँ दादा भाई क्लब के पास में, तो चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का पंडाल बना हुआ है। सभी को सैनिटाइज होकर अंदर जाएं। यहाँ पर देखते हैं किस तरीके का पंडाल बना हुआ है।
हैदल पर हूँ और यहाँ पर आकर देखते हैं किस तरीके का पंडाल बना हुआ है। अभी मैं सिलीगुड़ी कॉलेज के पास हूँ और यहाँ पर एक पंडाल बना हुआ है, तो चलिए अंदर घुस कर देखते हैं किस तरीका का यह पंडाल है। तो अभी मैं रथ खोला में हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा पंडाल हमेशा बनता है, लेकिन इस बार का पंडाल देखते हैं किस तरीका का बना हुआ है रथ खोला का। हेलो गाइस, तो अभी मैं हूँ चंपासरी में और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ का पंडाल किस तरीका का बना हुआ है। तो चलिए पंडाल के अंदर जाते हैं, यहाँ का पंडाल किस तरीका का बना है देखते हैं। जी जी बोले।
हेलो गाइस, तो अभी सुबह के 3 बज गए हैं। घूमते घूमते हम लोगों को पूरा रात हम लोगों ने घुमा है और बस यह एक लास्ट पंडाल है। ये पंडाल घूमेंगे और घर चले जाएंगे। और अभी मैं हूँ माटीगारा में, यहाँ पर शायद पंडाल बहुत अच्छा बना है, तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं। तो अभी मैंने जितने भी सिलीगुड़ी में पंडाल देखे, यह पंडाल सबसे बड़ा पंडाल बना है और यह पंडाल माटीगारा में।